बिग बॉस के घर में बदल रहे हैं रिश्ते, क्या मुस्कान बाम ने लेने वाली है तिगड़ी में ईशा सिंह की जगह। जी हाँ गाइस, आखिर क्या है पूरी अपडेट बताएंगे आपको इस पूरी वीडियो में, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का टेली रिपोर्टर में। मैं हूँ आपके साथ एकांता थापा। वेल, जैसे कि हम सभी देख रहे हैं कि बिग बॉस के घर में सभी कंटेस्टेंट्स का एक हफ्ता जो है वो पूरा हो चुका है और अब धीरे ही धीरे घर के अंदर रिश्ते बदलते जा रहे हैं और नए रिश्ते उमड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। वेल, जैसा कि हमने देखा कि बिग बॉस के शुरुआती दिनों से ही रजत दलाल जो है वो शिल्पा शिरोडकर के साथ काफी अच्छे से जलप करते हैं। यहाँ तक कि रजत से जब पूछा गया कि आपके टॉप टू फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन से हैं, तो उन्होंने सबसे पहले शिल्पा शिरोडकर का नाम ही लिया था। लेकिन हाल ही में रजत दलाल के साथ शिल्पा शिरोडकर की लड़ाई हुई, जिसके बाद इन दोनों का रिश्ता जो है वो बदलता हुआ नजर आया और अब रजत जो है वो शिल्पा शिरोडकर के अगेंस्ट हो गए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि शिल्पा का असली चेहरा सामने आ रहा है। कई सारी चीजें शिल्पा को उन्होंने और भी कही, जैसे कि उन्होंने कहा कि वो डर डर कर और बहुत ही सेफ गेम खेल रही है, और इतना ही नहीं उन्होंने शिल्पा को फटू तक कह दिया था। इसी के साथ गाइस, जो एक रिश्ता है यानी कि तिगड़ी का रिश्ता, वो बहुत ही ज्यादा बदलता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ पर हमने फर्स्ट वीक में देखा कि तिगड़ी काफी स्ट्रॉन्ग गेम प्ले कर रही थी, तीनों का आपस में काफी अच्छा रैपो भी था, बहुत अच्छे से तीनों की वाइब मिलती थी, लेकिन इस वक्त अविनाश, ईशा और एलिस कौशिक के बीच में काफी अनबन देखने को मिल रही है। जहाँ ईशा कुछ कहती है अविनाश से और अविनाश को बुरा लग जाता है, वहीं ईशा एलिस को टोक देती है और कहती है कि तुम इस बात पर बीच में मत घुसो। वेल, ऐसा देखने को मिल रहा है कि एलिस और अविनाश कहीं ना कहीं ईशा को नापसंद करने लगे हैं, साथ ही ईशा का जो बर्ताव है दोनों के प्रति वो उन्हें पसंद नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं गाइस, मुस्कान बाम ने जो है वो कई बार तिगड़े के साथ हैंग आउट करती हुई नजर आ रही, तो ये भी हो सकता है कि शायद से मुस्कान बाम ने ईशा की जगह ले सकती है और ईशा अपने ग्रुप से दूर हो भी सकती है। तो आप इस बदलते रिश्ते को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, साथ ही आपको क्या लगता है कि बिग बॉस में अब कौन सी नई जोड़ी या तिगड़ी का फॉर्मेशन होने वाला है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन और बिग बॉस 18 से रिलेटेड हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।